झारखंड में आपकी मांग है, सरना कोर्ट की मांग है, उसको हम इंप्लीमेंट आपके लिए करते हैं। आपका जल, आपका जंगल और आपका जमीन का जो अधिकार है उसके लिए आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर मैं लड़ूंगा कि दिल्ली में मैं आपका सैनिक। राहुल गांधी ने मंगलवार को चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही कांग्रेस आदिवासी महिलाओं की जिंदगी संवारेगी, उन्हें लखपति बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोबा मांझी को वोट देकर विजयी बनाए। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आदिवासी, दलितों, पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं देना चाहती है। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का पहला अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें इनसे वंचित रखना चाहती है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। इस संविधान को बचाने के लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है। इस संविधान से ही आपको शिक्षा, इलाज, नौकरी समेत अन्य अधिकार मिलते हैं, इसलिए इसे बचाना जरूरी है। हम एक नया कानून लाएंगे, पहली नौकरी पक्की। चाहे आप आदिवासी हो, दलित हो, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, जो भी हो, कोई भी भाषा बोलो, अगर आप ग्रेजुएट हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, तो आपको हम एक पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। आप सरकार से नौकरी मांग सकोगे, हाथ उठा के आप कहोगे देखो मुझे इंडिया गठबंधन ने अधिकार दिया है, एक साल की नौकरी का अधिकार दिया है, सरकार को देने ही पड़ेगी। कहां मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर, हिंदुस्तान की सबसे बेहतर कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर, HAL, BHAL, ऐसी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एक साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, काम करना सीखोगे और बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए मिलेंगे। एक झटके से करोड़ों बेरोजगारों के बैंक अकाउंट में हम 1,00,000 रुपए साल के डालेंगे, 8,500 रुपए महीने के, कटाकट कटाकट कटाकट, जैसे इन महिलाओं का होगा वैसे युवाओं का होगा। और एक साल के बाद अगर आपने अच्छा काम किया, आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। करोड़ों युवाओं को बैंक में पैसा मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और ये जो दीवार नरेंद्र मोदी ने बना रखी है हिंदुस्तान के युवाओं के सामने, जो लगा रखी है, इस दीवार को हम तोड़ देंगे, आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। अग्निवीर योजना को हम खत्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि दो तरीके के शहीद हों। अगर हिंदुस्तान की सेना में कोई लड़ेगा, शहीद होगा, तो दोनों को शहीद का दर्जा मिलेगा, दोनों को पेंशन मिलेगी, दोनों के परिवारों की रक्षा होगी। इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द कर रहे हैं। यह योजना आर्मी ने नहीं बनाई है, यह नरेंद्र मोदी की योजना है, उनकी ऑफिस की योजना है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। गलत GST इन्होंने लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, इस GST को भी हम बदल रहे हैं। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, 1 टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, गरीबों पर टैक्स जिस प्रकार से ये कर रहे हैं हम उसको कम करेंगे और सिंपल बना देंगे। ये हम आपके लिए करना चाह रहे हैं। यहां पे झारखंड में आपकी मांग है, सरना कोर्ट की मांग है, उसको हम इंप्लीमेंट आपके लिए कर देंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका, आदिवासियों का और इंदिरा जी का मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। आप एक बात समझ के चलिए कि दिल्ली में मैं आपका सैनिक हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा दिल्ली में, और जो भी आप मुझसे चाहेंगे आप मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करके आपका काम जो भी हो करूंगा। आपका जल, आपका जंगल और आपका जमीन का जो अधिकार है उसके लिए आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर मैं लड़ूंगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।